से महाराज से सब जगह से तो आते भैया ये रोड में। अच्छा, का विकास कर बताएं भाई। अब हाईवे रोड की थे ला। कौन मेरे हाईवे है भैया, ये हाईवे दिखा थे। यहाँ पब्लिक तो दू, हम खुद तो दू ही। हमें नहीं कही कि हम अच्छा ही से करते, तो पब्लिक का करे बेचारा मन है। अपन रोज कमाना, रोज खाना लगे पब्लिक मन के। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सिंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी हम खेड़ागढ़ के इतवारी बाजार में हैं। यहाँ की निगम प्रशासन इतनी सोई हुई है, बोल सकते हम नगर पालिका। ये गड्ढा देखा जा रहा है चुनाव के बाद से ही, है ना। बीजेपी की सरकार बन चुकी है और सरकार बनने के बाद आज भी यहाँ पर स्थिति ऐसी बन गई है कि मछली पालन यहाँ पे कोई भी करने के लिए नौबत आ सकती है। मछली पालन करने के लिए हमको भी अधिकार मिलेगा, हम यहाँ पे मछली पालन कर सकते हैं। ऐसी गड्ढे हो गई है। पहली कल रात में पानी जो गिरी, पानी गिरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी कीचड़ की नौबत आ गई है और हमेशा यहाँ पे गड्ढे के कारण लोग गिरते रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई किसी का होने वाला नहीं है। लोग परेशान हैं, हमेशा फ़ोन करते हैं कि आप आकर गड्ढे भरवाने के लिए कुछ उपाय करें। हम यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो भी नागरिक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की नगर पालिका मौन क्यों है और इतनी सोई हुई क्यों है, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दुकान कब से लगाते हैं? बहुत दिन से लगा देते हैं। एक गड्ढा है, क्या बोले भाई, इतना गड्ढा है यहाँ के प्रशासन मन छूट चुका, घर में सोए मोने पे बोलता है, फिर लाख डालते भाई या डस्ट हॉस्टल लाख डालते। अभी फोन आते मुला के रोज हमेशा गिरा थे। हाँ, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। तो आज क्या बने उठाओ जी? बोलता भैया तो लाख डालते ना, ओला डस्ट वाला कच्चा माल लाख डाल देते। अच्छा, हाँ पक्का वाले नहीं डाले, डामर वामर का बने डाले पता नहीं भैया, पता नहीं। विधायक कौन है भैया? यशोदा वर्मा है ना। अच्छा, कुछ दिन बात करे हो मैडम से, लगातो दुकान है ना? नहीं 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 है? नहीं नगर पालिका बोले ना। अच्छा, ये हम भाभी से बात कर रहे हैं, भाभी बैठे हैं। भाभी का नाम है तो? नीता डीमार। ये गड्ढा के बारे में क्या अभी? दो जन के एक्सीडेंट हो गए भैया, गिर गए महिला। अच्छा, गाड़ी ले हाओ कक्के पे गिरी से, ए दे आधा घंटा भी नहीं हुए, 10-20 मिनट हुई। हां हैं, कई गड्ढा कुछ तक सब मोरमर और सब कट में गड्ढा कुछ नहीं से खर। तो वही कहा ना भाई, गड्ढा कहां भरे नहीं जी, का पता अगर कर कई कई गांव करी से खर। सरकार भी बन गए, यहां विधायक भी बैठे, अध्यक्ष भी बैठे हैं, कई गांव करी, जिला भी बन गए, सब बन गए। ओकर बाद भी कर काम नहीं होत है, होते फिर जस के तस फिर हो जाते हैं। फिर ऐसी हो जी, फिर वही इसने मतलब लोग रोज गिरत रही है में। हां, अगर फिर जस के तस हो जाते हैं ऐसे ना। हां, फिर तो आपके आना भी ना जी। हाँ, तो है दिलीप कुमार मंडले कहा यार, मैं ना जा रहा था, आए दिन देखा था मैं, रोज कोई ना कोई गिरे थे। अभी एक घंटा पहले गिरी भैया। अच्छा, हाँ लेडीज है। हाँ, या प्रशासन नगर पालिका या PW ये ला, अभी बीच में थोड़ा सा रेती और गिट्टी पर डाल दे रही है। आज चार महीने से रोज आदमी गिरा थे, हादसा होते कोई। तो सरकार बन गई, बीजेपी सरकार बन गई, यहाँ विधायक भी जीत के आ गए, अध्यक्ष बन गए, जिला बन गए, ओकर बाजू देखते हैं जी। ऐसे है भैया, आपके माध्यम से रोड बनना चाहिए भैया। हाँ, बताओ ना। तो तुम कंप्लेन अपने कथों निकलो जाके? अरे कई गाँव हो गए भैया बोला कंप्लेन, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, सब मनमारी। हाँ हाँ भैया, वो ठेकेदार है ना, ओकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो रोड ठेकेदार है, रोड के जो जेन टेंडर ले हुई ओकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए भैया। हाँ अच्छा, हाँ कि ओकर कारण कई जगह के गोड़ हाथ टूटा थे, कई जगह गिरा थे, कई खोरवा लंगड़ा हो जात भैया, ओकर ऊपर केस होना चाहिए ठेकेदार के ऊपर। चलो चलो, जो रोड बनाए ओकर ऊपर भैया। पहुँचाए कोशिश कर। आपके नाम क्या है जी? दीपक सोनी। दीपक सोनी सामने तो बैठे है, अब भी मुला फोन ऐसे कुछ देर पहले तो मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं ठीक है ना, बढ़िया कह रहे हो, आए तो भाई है ना, बहुत बहुत अच्छा बात है एकदम। ये तो भाई वो जब भी यानी सड़क बनाते मैं बोलता भी एक ब्रेकर बना दो भाई, ऊपर से कहा है थोड़ा दबी नहीं अंदर। हाँ, लेकिन हमारे बात की कोई सुनवाई ची नहीं करे भाई। अच्छा, कोई सुने ची नहीं, अभी वो का ऊपर ऊपर ऐसे चलाईस। हाँ, ओकर बाद छोड़ के चल दी, सो गए, फिर 8 दिन बाद फिर गड्ढा। हाँ, प्लस ओकर बाद हमन कम से कम 10 बेरों में मलमा डलवा डले, मैं और दिलीप भाई और ये शंकर मिल जुल के और नाली लेते अब भी निकाले हैं हमन पूरा सवेरे। ये सब हमार काम है, पूरा ओढ़हन के नबे पूरा ओढ़हन के पानी आंख हमार तीरन भर जाते और तलतला पूरा भर आ जाते। एमे हमार मन के कह व्यवसाय पूरा ठप पर जाते, एक भी ग्राहक नहीं आए, एक भी ग्राहक नहीं आए हमार मन के। 3 बार इसने बैठी थे हमन, मतलब गड्ढा भी हो गया, पानी भर गया, कीचड़ के नाम से कोई ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक नहीं है। नुकसान हम बनाथन, वो नाली ला हमन बनाथन। अच्छा, तो मतलब भैया इतना, मतलब मैं देखा तो इतना शान, मतलब प्रशासन यहाँ पे इतना सोए हुए काबर है भैया।
का है कारण? वो आपके द्वारा जागरूक होना चाहिए बड़े भैया, मैं तो बोलता हूँ ना वही कि भैया ठेकेदार ऊपर कैसे होना चाहिए। परेशानी यहाँ पे भैया, हम लोग सामने में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना कीचड़ है भैया, तो आओ सामने में साइलेंट निकालो भाई। हाँ अभी देख लो इतना विरोध हो रहा है, और मेरे को जानकारी मिली है इस कारण मैं यहाँ पे कवरेज करने के लिए आया हुआ हूँ। अभी कुछ दिन पहले, अभी एक घंटा पहले यहाँ पे महिला गिरी है, बोल रहे हैं उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, और कवरेज करने की कोशिश करेंगे। हाँ मतलब बोल सकते हैं कि निगम यहाँ की नगर पालिका प्रशासन अपने आप को छिपाने के लिए कुछ दिन पहले मलबा को डाल दिए थे दिखावी करने के लिए, लेकिन मलबा कुछ नहीं हुआ, दो तीन दिन बाद पानी गिरने बाद पूरा फिर से बह गया, और कंटिन्यू लोग यहाँ पे गिर रहे हैं। जिला बने हैं खारागढ़ में, आप जिला बन गए हैं, पीडब्ल्यू कहाँ करते रह का हाथ हूँ। हाँ। मैं सरपंच मुतड़ा के सरपंच है, भूतपुरा सरपंच हूँ। हाँ। तो ये गंदा है नहीं भाई, तो जिला बन गए जी, उद्धार हो तो जिला में निकल दे, यही उद्धार हो तो ही ला। हाँ। ये कहा का विधायक हमारे महोदय है, मोदिया है, विधायक मोदी बोलो भैया ये बनवा लो। हाँ। कई एक्सीडेंट हो गए, मेरे कई जन गिरा थे। तो तुम्हें बात नहीं करो जी? अरे हम तो रोज होते तब होने भाई। हाँ। देखो थोड़ा आप देखो महोदय। हाँ हाँ। आप देखो तो इसको बनवा भाई। चलो ठीक है, आपका भैया नाम जानना चाहूंगा पहले। सबगीर कुरैसी। सबगीर कुरैसी, देख लो भैया दो मिनट पहले, अभी भाजपा सरकार बन गई है, यहाँ विधायक भी है, अध्यक्ष भी है, जिला भी बन गया है, लेकिन स्थिति ऐसी रहनी चाहिए क्या? बिल्कुल स्थिति ऐसी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले चीज ये स्विमिंग पूल है, इसको सबसे पहले ठीक कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम परेशान हैं पुलिस प्रशासन से अभी। अच्छा। सिर्फ केवल और केवल बस ऑपरेटर को परेशान किया जा रहा है। अच्छा। और हम क्या ड्राइवर कंडक्टर हम लोग मिलके पैसा भर रहे हैं, बस ऑपरेटर बिल्कुल पैसा नहीं दे रहे हैं इस चीज़ का। हाँ। क्योंकि यहाँ पर गाड़ी खड़े करते हैं या यहाँ पर गाड़ी खड़े करते हैं, 5,000 रुपये हमारा चालान कटता है। अच्छा। तो हम 300 रुपये दिहाड़ी मजदूर क्या करेंगे हम लोग भैया, ये बताओ। जी जी जी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। और सबसे पहला चीज़ है एसपी साहब को आगे खुद वहाँ निरीक्षण करना चाहिए कि क्या चीज़ है, माहौल क्या चल रहा है करके। ये देखिए यहाँ पर ये गड्ढा है। हाँ, दिखाओ भाई एक मिनट। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, ये स्विमिंग पूल है। हाँ, और ये कभी नहीं भरा है, आज 5 साल हो गया है, 5 साल से ऊपर हो गया है ये। मैं बिल्कुल बाकी लोग से भी माध्यम पहुँचाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आज कवरेज की, अभी फोन आया था कि कोई गिर गई है, तो मैं है ना कवरेज करें आप, ठीक है। पहले भी तो मैं किया था, कई लोग भरवा दिए थे। हाँ तो भरवाए थे, मगर ये रोज का, ये रोज का है ना। जी जी। हाँ भैया, कल नाइट में ही हुआ है ये सब पानी वानी भरने वाला काम। हाँ हाँ। और एक घंटा पहले कुछ लेडीज गिरी भी है। हाँ जी जी जी। हाँ ये भाव तब भी है, मैं अपने आँख के सामने देखा हूँ। मैं आया था और बाकी लोग से बात नहीं होना चाहिए ना, लेकिन जी जी जी। फोन ही थे बोला आप मन के पे नाम जाना चाहूँ मैं। मोर नाम चंद्रशेखर अग्रवाल। हाँ। इतवारी बाजार खैरागढ़ वार्ड नंबर 9। अच्छा, अभी मुझे जानकारी मिली थी कि चौक में खड़े होना। हाँ। वो चौक के सामने में दुकान है मोर। हाँ हाँ। अच्छा, अभी जानकारी मिली थी कुछ देर पहले महिला गिरी से मेरे। आओ है ना, आवाज देने में दुर्घटना घटा थे। अरे 5 साल हो गए भैया। हाँ। 5 साल से कुछ हो नहीं है। अच्छा, बार हाँ। तो कहा नहीं हो, मतलब विधायक बन गए, अध्यक्ष है, जिला बन गए, तो कारण क्या है, आए दिन घटना हुआ थे मेरे। आए दिन सिर्फ यही है कि भ्रष्टाचारी है उसका है। अच्छा, भ्रष्टाचारी से संलिग्न हो चुके हैं। मछली पालक लेक बन गए जी, मुझे मछली पालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कहा चाहते हो काम मना है, आप मन कहा चाहते हो मतलब? बस यही चाहती, अब ये रोड नहीं बनी ना तो महीना दिन के अंदर ये मेरे सौंप दादा, हड़ताल कर अब। अच्छा, बंद कर अब रोड ला। हाँ हाँ, तब कार्यक्रम हो ही नहीं, लेकिन प्रशासन में कुछ जगत नहीं ना, प्रशासन एकदम प्रशासन में कुछ समझ नहीं आते, बात का है कर, प्रशासन में कुछ समझ नहीं आते, बिल्कुल कोई दिखैया नहीं है ना, अतिक बड़े यहाँ पे नगर पालिका है वे। मिट्टी लाख भर दड़ी से भी, मिट्टी लाख भरी से ये पानी भर एक बार फिर ये गड्ढा गड्ढा। तो तुम गेट नहीं जाओ विधायक मन से बात करे पर जी? नहीं 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 गए। कहाँ पर नहीं जाओ? अब विधायक के पास टाइम ही नहीं है जी, कहाँ है? चौधरी विधायक, चौधरी है, चौधरी है। हाँ, तो नगर पालिका अध्यक्ष में वो तो खुद रोज आते, रोज बाजार आते, वो कहा बताई। अच्छा, तभी बातचीत हो गया है। चलो दे दे फोटो, एकर एकर ले देता लड़का बच्चा मन आज जाते। हाँ चलो, एक आज हम दुकान में से बात करते हैं। कौन सा साहब नहीं आते तेन बता दे रोड में भैया, हर अधिकारी हर कर्मचारी हर क्षेत्र के आते। हाँ हाँ, ऐसा कौन सा क्षेत्र बाकी है? बिलासपुर क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र, तो नागपुर से, महाराष्ट्र से, सब जगह से तो आते भैया ये रोड में। अच्छा, का विकास करत लेन बताएं भाई, अब हाईवे रोड कितने ला? हाँ, कौन मेरा हाईवे है भैया, ये हाईवे दिखत है? हैं माड़ी भर पानी है, वो तो मान लो नहीं बने तो मैं क्या करूँ फिर, तो प्रशासन जगह पर क्या करूँ बताओ ना, फिर हड़ताल हो ही। हाँ हाँ हाँ, तो बोल अब
अतेक बड़े चीला बन गए हैं। बोला कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब पब्लिक बन दे तो कुछ नहीं करेगी। पब्लिक हर बात प्रशासन की आंखली खुली है। रोज कई गिरते हैं आदमी यहाँ। पब्लिक तो दू, हम खुद तो दू ही। हमें नहीं कही कि हम अच्छा ऐसे करते। तो पब्लिक का करे बेचारा मन है। अपन रोज कमाना, रोज खाना लगे पब्लिक मन के। कुछ करना है नहीं यहाँ। प्रशासन लग बोर्ड देते आदमी है, कोई पार्टी कुछ कर ही करके, मगर आज तक कोई कुछ नहीं करे। पब्लिक में नहीं उगड़ा नहीं करी लोग पब्लिक निर्णय लेते हैं। एला जिताना, एला हराना है बस। अच्छा, अब कुछ नहीं करे तो का है कुछ भी होने। वो तो चले आठ ना प्रक्रिया है। अच्छा, आप रहा हम रही। अच्छा, आप बोला तो बोलवाट वहाँ ना किसी के। आप क्या कर सकते हैं उनके बारे में? बिल्कुल मैं अभी बात कर रहा था तो भरवा रहे हो जी, भर दे पुलिस। क्या क्या भरेगा भैया? वही पुलिस बोला भर दे पुलिस। यहाँ उम्र 50 साल के मैं रश्मि देवी देवर के साथ राजनीति किया हूँ। कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। चलो ठीक है, आज भर आएगा, चार दिन बाद फिर वैसी जैसी तो वैसी वैसी हो जाएगा। बस हर चार दिन में उसी हो जाता है। ना डामर डालता है, ना गिट्टी डालता है, कुछ बजरी को लाग इसमें लेकर औरत गिरा है पे। हाँ, जा रहे थे गाड़ी से बेचारी, 300 सवारी, दो सवारी बैठे थे। हाँ, दो लेडीज और यहाँ के भक्त गिर गए। धक्का खाया तो एक बच्चा को यूनिवर्सिटी का बोलना मारे और लड़की खत्म हो गई। वो मगर कुछ नहीं हुआ। एक दिन ट्रैक्टर को ला लिए भरने के लिए, गायब करा, उसके बाद खत्म। आज वही ट्रैक्टर बोलना खुद फिर घूम रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं यहाँ की जो आम नागरिक है, प्रशासन की तो मौन है। अपन बोल सकते हैं कि प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है पूरी तरीके से। हम मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर गाड़ी आती है यहाँ। चलो।